इसका लिड ऊपर खुलता है जो इस डिब्बे से जुड़ा हुआ है। नीचे छोटे स्क्वायर शेप में कटिंग ब्लेड है। ट्रांसपेरेंट पार्ट आसानी से बाहर आता है। इसके दोनों साइड पे ग्रिप दी है, यह बाहर खींचते समय आसानी होगी। एक क्लीनिंग ब्रश भी है इसमें। इस चॉपर के बेस में और एक ज्यादा का कटिंग ब्लेड दिया है। स्लाइसेस करने के लिए ये ब्लेड काम आ सकता है। अपने जरूरत के हिसाब से छोटे या मीडियम पीसेस करने के लिए ब्लेड की जगह हम चेंज कर सकते हैं। इसे काम में लाना काफी आसान है। इस ब्लेड के ऊपर लहसुन की एक कली रखनी है और ऊपर से प्रेस करना है। इस प्रकार से एक एक करके हम लहसुन बारीक कर सकते हैं। काम जल्दी होता है। कटा हुआ लहसुन नीचे कंटेनर में जमा होता है। लहसुन की ना पेस्ट होती है और ना ही क्रश। हमें लहसुन के छोटे टुकड़े मिलते हैं। अगर लहसुन का ये साइज आपको चलता है तो ये मिनी गार्लिक चॉपर आपके लिए काम का है। काम होने के बाद इसके ब्लेड साफ करने के लिए काफी इजी है। नॉर्मली इस ब्लेड में कुछ फंसता नहीं है, ऊपरी हिस्से में काफी कुछ रह सकता है। ये साफ करने के लिए इसके साथ जो ब्रश हमें मिलता है वो काम। लहसुन के अलावा अदरक के लिए भी ये मिनी चॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते वक्त अदरक लहसुन को हाथों से कम संपर्क होता है। इससे उंगलियों में अदरक लहसुन की गंध नहीं रहेगी। अदरक छोटे टुकड़ों में कट जाता है लेकिन बहुत ज्यादा बारीक नहीं होता। काजू बादाम काटने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। काजू बादाम थोड़ी देर पानी में भिगो के बाद में इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा आसान होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि सिर्फ 100 पैटर्न और वो भी छोटे पीसेस में इस्तेमाल करेंगे तो ही ये मिनी चॉपर काम का।